और आइए अब आपको दिखाते हैं एक उस महिला का दर्द जिसे बेच दिया गया था, जिसकी बचपन में शादी कर दी जाती है और फिर एक दूसरे शातिर ने भी इस महिला को अपने हाथों का खिलौना बनाया और उससे शादी कर ली। लेकिन महिला का दर्द यहाँ भी कम नहीं हुआ। वो शातिर महिला की नजरों से ओझल हो गया और फिर दूसरी शादी करने की तैयारी कर ली। लेकिन अब छत्तीसगढ़ की ये महिला अपने पति की खोज में और इंसाफ की मांग को लेकर राजस्थान आ पहुंची है अपनी 4 साल की बच्ची के साथ। पहले पिता ने सौदा किया बचपन में ही इस बुजुर्ग के साथ। पैसों का लालच इस महिला के पिता पर ऐसा हावी हुआ कि जब ये महिला बच्ची थी उस दौरान इस शख्स से इसकी शादी करा दी गई। चलिए हम इस वारदात की कहानी आपको बताएं, इससे पहले जरा इस महिला पर नजर डाल लें। ये वो महिला है जो अपनी पीड़ा को बयां करने अब छत्तीसगढ़ से राजस्थान आ पहुंची है। इस महिला की इसके पिता ने ही बोली लगा दी थी और एक अधेड़ के साथ इसकी शादी भी कर दी। लेकिन जब तक ये कुछ समझ पाती तब तक इसकी जिंदगी बदल चुकी थी। अपनी उम्र के दुगनी उम्र के शख्स के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली इस युवती ने फिर एक दूसरे शख्स से शादी कर ली जिसका नाम था शेरसिंह। पहले झुंझुनू जिले के सिंघाना थाना इलाके का हरिसिंह और फिर बुहाना का रहने वाला शेरसिंह। लेकिन शेरसिंह भी इसे छोड़कर फरार हो गया। शेरसिंह जो कि आर्मी में है और फिलहाल जम्मू में तैनात है। उसके एक बच्ची का भी जन्म होता है जो अभी 4 साल की है। लेकिन शेरसिंह के दिमाग में शैतानियत का भूत सवार था और वो इसे छत्तीसगढ़ के पिथौड़ा गांव छोड़कर राजस्थान आ जाता है और मोबाइल फोन को भी बंद कर लेता है। यहाँ मैं तो शादी हो गई थी पहले रिसेंट, उसके बाद ना ये शेर सिंह मेरे को आके लेके रायपुर में रखा था। फिर उसके बाद मेरे को मकान मिला है वहाँ पर, अच्छा से मतलब हम हर चीज़ का व्यवस्था किया है वहाँ पर। और 9 महीना से अभी हम लोग को ना खर्चा दे रहे हैं ना कुछ भी नहीं है। और यहाँ आने के बाद, गांव में आने के बाद पता चला है कि वहाँ पर वो सगाई किया है। मैं ये चाहती हूँ मेरे लड़की का भविष्य बनना चाहिए और उसके साथ रहूँगी मैं, उसको शादी भी नहीं करने दूँ। दास्तां चाहे फिल्मी लगती हो लेकिन हकीकत है। पहले रुपयों के लिए पिता ने बेटी का सौदा किया और फिर इसने जिसे अपना हम सफर माना उसने भी धोखा दे दिया। अपनी बच्ची के साथ अब ये महिला शेर सिंह की तलाश में राजस्थान आ पहुंची है। 9 महीने से गायब अपने पति की तलाश में ये महिला अब कहती है कि उसे पता चला है कि शेर सिंह 28 दिसंबर को शादी भी करने वाला है, लेकिन वो इसकी शादी नहीं होने देगी और अब इस मामले में उसने पुलिस से भी इंसाफ की गुहार लगाई है। किसके साथ हुई थी आपकी शादी? हरिसिंह के साथ। जब आपकी उम्र कितनी थी लगभग उस समय? मैं 9 वाली। वहां पर गांव में हमारे गांव तरफ दलाल लोग करा देते हैं ऐसी शादी, ऐसा अपना दलाल लोग खाते हैं और शादी करा देते हैं। उसकी बहुत उम्र थी मेरे से बहुत बड़े थे। रिश्तों में हुए धोखे के बाद अब महिला ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला के पिता ने जहां पैसों के लिए बेच दिया तो वहीं
जिससे प्यार किया उसने भी इसको छोड़ दिया। सभी रिश्तों में धोखा खाने वाली ये महिला अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि महिला को रिश्तों में मिले दर्द को प्रशासन महसूस कर पाता है या फिर नहीं। फर्स्ट इंडिया के लिए पिलानी से कृष्ण ढस्सा की रिपोर्ट।